गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट F&B डिपार्टमेंट, यस करेक्ट, वेटर्स एंड इनकी हायरार्की के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर ये वीडियो बड़ा बनता है तो उसे मैं 2 से 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। आज के वीडियो में हम जानेंगे अबाउट F&B डिपार्टमेंट, उसके अंडर मैं कवर करने वाला हूँ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड व्हाट इज एग्जैक्टली F&B डिपार्टमेंट। सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स मी सुनील, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ सेल्स। आपको बता चाहूंगा कि इनका डिपार्टमेंट जितना इजी लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ऑन बोर्ड जितने सारे पैसेंजर है वो सिर्फ डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में और बुफे रेस्टोरेंट्स में ही खाना खाने जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितना बिजी ये डिपार्टमेंट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि आपको, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आपको अगर क्रूज पे काम करना है तो आपको मिनिमम 1 साल का 5 स्टार एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगर आपको F&B डिपार्टमेंट में काम करना है, देन यू हैव टू बी वर्क इन सम स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स या फिर जो होटल्स के डाइनिंग रेस्टोरेंट्स या बुफे रेस्टोरेंट्स होते हैं, उस डिपार्टमेंट में आपको कम से कम 1 से 2 साल काम करना बहुत 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 जरूरी है। ये समझ लो कि ऑनबोर्ड, अगर आपको मतलब पैसेंजर को ऑनबोर्ड डाइनिंग करना है, सो देर आर 2 to 3 प्लेसेस वेयर पैसेंजर कैन हैव अ डाइन, लाइक एक बुफे रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, जो 24/7 ओपन रहता है। उसके अलावा एक रेस्टोरेंट रहता है जहां पे फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग अवेलेबल रहती है। सो ये 2 जगह पे आप जो है अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हो। और तीसरी जगह है जो है क्रू मेस, जहां पे सिर्फ क्रू ही मील अपना कर सकता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्रू का जो मेस है वो भी जो है वो F&B डिपार्टमेंट के अंडर आता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है SSC, यस यू हर्ड करेक्ट, दिस इज 10 पास, ठीक है। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने 12 प्लस होटल मैनेजमेंट या फिर कोई क्रैश कोर्स किया रहेगा तो वो भी वेल एंड गुड है। लेट्स स्टार्ट अबाउट टाइमिंग्स ऑफ योर मील्स। ओके, सो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 मील आपको ऑनबोर्ड मिलते हैं जो कि आपको डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में भी अवेलेबल रहते हैं और आपको बुफे रेस्टोरेंट में भी अवेलेबल रहते हैं। प्लस पॉइंट बुफे रेस्टोरेंट का ये है कि दैट इज ओपन फॉर 24/7 और वहां पे आपको कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है कि आपको इतने टाइम में आपका मील फिनिश करना है, ठीक है। जैसे कि रेस्टोरेंट में रहता है कि फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, सो फर्स्ट सिटिंग स्टार्ट्स फॉर डिनर इवनिंग 6:30 to 8:30, इसके बीच में आपको जो है फर्स्ट मील आपका कवर करना है और सेकंड मील जो है वो 8:30 to 10 PM। सो आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग जो है वो 7 to 10 AM रहता है, देन योर लंच टाइमिंग इज 11 to 2। लंच और ब्रेकफास्ट ये दोनों का टाइमिंग जो है वो डिपेंड रहता है कि आप कितने बजे, आपका जो शिप है वो पोर्ट पे लगने वाला है, क्योंकि काफी सारे पैसेंजर्स को बाहर अशोर जाना रहता है, इसलिए उनका टाइमिंग जो है फ्लेक्सिबल रहता है, बट ये जो टाइमिंग्स है वो कॉमन टाइमिंग्स रहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुफे एंड डाइनिंग रेस्टोरेंट। सो बुफे में आपको मैं पहले बात बता चुका हूं कि आपको वहां पे टाइम लिमिट नहीं रहता है। सेकेंड इज योर 24/7 ओपन रहता है, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद आपको रात को भी कुछ, if you are feeling hungry, okay, then you can have your pizzas over there, pastas, after that you can have your breads, many things are available in the night as well. Apart from that, आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे यूज वराइटीज मिलती है आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए, वहां पे मतलब बुफे लगता है, ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं जो आप कंज्यूम कर सकते हैं वहां पे। देन कम बैक टू द डाइनिंग रेस्टोरेंट। सो डाइनिंग रेस्टोरेंट में आपको टेबल सर्विस मिलती है, यू हैव अ लिमिटेड टाइम टू हैव योर मील, ठीक है, बट सफिशियंट टाइम रहता है टू हैव योर मील, बट चॉइस ऑफ फूड बहुत कम रहता है। सो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप जो है डाइन कहां पे भी कर सकते हो, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको अगर डाइनिंग में करना है तो वहां पे भी करिए, या फिर आपको बुफे में करना है तो वहां पे भी करिए, दोनों जगह पे भी करिए, बस आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। सेकेंड जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, वहां पे जो है वो प्रायर रिजर्वेशन करना जरूरी रहता है, उसके अलावा आपको वो चार्जेबल रहता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्क डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेटर्स डिपार्टमेंट। सो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इनका मिनिमम वर्किंग आवर्स जो रहता है वो 10 आवर्स रहता है, ठीक है, बट इट गेट एक्सटेंडेड फॉर 12 आवर्स अप टू 14 आवर्स समटाइम,
क्योंकि कभी कभार यूएसपीएच के हाइजीन इंस्पेक्शन रहता है, उसके लिए क्लीनिंग करना है, कभी इन्वेंट्रीज रहती है, कभी जनरल क्लीनिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन इनका ब्रेक शिफ्ट रहता है हमेशा, दे हैव टू टेक केयर ऑफ ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये तीन मील्स उनको कवर करने हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ नाइट शिफ्ट ऑल्सो, नाइट शिफ्ट में काफी कम क्रू अवेलेबल रहते हैं. ऑल्सो देयर इज नो वीकली ऑफ, ठीक है, आपको बताना चाहूंगा. वहां पे कभी कभार आपको मील ऑफ दिया जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन योर मैनेजमेंट. सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट वर्क ऑपरेशन, ठीक है. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नाइट शिफ्ट. सो नाइट शिफ्ट में बेसिकली क्या रहता है कि आपको नाइट शिफ्ट के लोगों को पूरा शिप में घूमना पड़ता है, वहां के डिफरेंट डिफरेंट गैलीज में उनकी क्रॉकरी, कटलरी या फिर लिनन कुछ भी पड़ा हुआ रहेगा सामान, दैट दे हैव टू कलेक्ट एंड गेट बैक ऑन द रेस्टोरेंट और एट द बुफे, ठीक है. उसके बाद में उनको ब्रेकफास्ट के लिए सेटअप करना रहता है, लिनन ऑर्गेनाइज करना रहता है, मीजा ऑर्गेनाइज करना रहता है, ये सब काम वो नाइट शिफ्ट में करते हैं. देन मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट टीम आती है वो उसे फाइनल टचअप देती है, ठीक है, एंड दे प्ले द ऑपरेशन. वैसे ही आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि 7 to 10 ये लोग का ब्रेकफास्ट टाइमिंग है और बीच में सिर्फ 1 आवर का गैप है, उसके बाद स्ट्रेट अवे लंच स्टार्ट होता है, ठीक है. सो इनके पास काफी कम टाइम रहता है टू रिसेट द बुफे फॉर लंच, ठीक है. इसके लिए नाइट शिफ्ट रहता है जो ब्रेकफास्ट का सेटअप करती है, ब्रेकफास्ट की टीम ऑपरेशन प्ले करती है, साथ में लंच का भी सेटअप करके देती है. देन ब्रेकफास्ट टीम ब्रेक पे चल जाती है और लंच टीम जो रहती है वो आपका लंच ऑपरेशन प्ले करती है, उसके बाद में नाइट डिनर के लिए सेटअप रेडी करती है, ठीक है. अब सो जैसे कि मैं आपको क्रू के बारे में बताना चाहूंगा कि एफएनबी डिपार्टमेंट में ज्यादा क्रू नहीं रहता है, ठीक है. सो आपको लगता रहेगा कि ब्रेकफास्ट के लिए अलग क्रू रहेगा, लंच के लिए अलग क्रू, ऐसा नहीं रहता है, ठीक है. सबका ब्रेक्स मतलब पूरा ब्रेक शिफ्ट रहता है. सो ब्रेक कर करके वो लोग अपने अपने मील्स जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑपरेशन खेलते हैं. देन कम अप विद द स्केड्यूल. स्केड्यूल के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको कल कौन सी शिफ्ट है वो आपको आज रात को पता चलेगा. एवरीडे स्केड्यूल रहता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आज आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो कल भी आप ब्रेकफास्ट ही करोगे, कल आप लंच भी कर सकते हो या डिनर भी कर सकते हो या आपका मील ऑफ भी हो सकता है. सो एवरीडे स्केड्यूल लगता है एफएनबी ऑफिस में, वहां पे आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है. और भी काफी सारे बातें मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताने वाला हूँ, जैसे कि हायरार्की, सैलरी एंड मेनी मोर थिंग्स अबाउट लाइक वर्किंग आवर्स, आप बाहर कब जा सकते हो, आपका मील ऑफ क्या किस बेसिस पे रहता है, ये बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी डिले हो चुका है, मुझे पता है. इसका रीजन ये है कि आई एम बेसिकली फ्रॉम द बार डिपार्टमेंट, सो मुझे अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट करना पड़ा, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, देन वेरीफाई करनी पड़ी, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बट डोंट वरी, नाउ ऑल द वीडियोज आर लाइंड अप, एज सून एज पॉसिबल आई एम गोना अपलोड वन बाय वन. सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड होटेलियर फैमिली. स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप ट्यूनिंग वर्ल्ड ऑफ सेलर्स.